संसार की महानतम संस्कृति की प्रणेता भगवान बुद्ध को प्रणाम, महावीर को प्रणाम, क्योंकि सब ने अपने समय में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और उसी से विश्व का कल्याण हुआ है। आज एक बहुत ही जरूरी, आज के संदर्भ में मैं एक अपनी मन की बात विश्व के सामने रखना चाहता हूँ, नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। और इस वयोवृद्ध व्यक्ति की युवक जैसे शरीर में, आत्मा में जो विचार आए हैं वो मैं मन की बात ज़रूर कहूँगा। संसार में बहरेपन के बारे में बड़ी विडंबनाएं और भ्रम फैले हुए हैं और कानून भी बना हुआ है कि डेफनेस इज़ नॉट ए क्योरेबल डिजीज़। परंतु मेरा मानना, मैं 50 वर्षों से यह कार्य करता हूँ, मेरा मानना यह है कि बहरापन कोई रोग नहीं है, वो केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया हमने मेडिकेशन से, रिसर्च मेडिसिन के द्वारा हमने प्रयोग करके हजारों हजारों व्यक्तियों को, जन्म के बहरों को, वृद्धों को, युवकों को, जवान को, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको सुनते हुए करने का प्रयत्न कर रहे हैं और सफलता बहुत 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 हद तक मिल रही है। यहाँ कह सकता हूँ कि शायद ही कोई केस फेल होता हो। कान में डालने की दवाइयाँ, खाने की दवाइयाँ, मैं मानता ही नहीं कि डेफनेस इज ए डिजीज़। डेफनेस ब्लॉक नहीं है। और दूसरी बात, हमने जो तत्व ढूंढ निकाला है, हमने जो दवाइयाँ ढूंढ निकाली है, वो कहती है नशे सूखती ही नहीं। नशे सूखेगी तो हमारी प्रक्रिया से एक घंटे में एक व्यक्ति कैसे सुन सकेगा? दवाई डालते ही सुनने लगता है। इसका मतलब क्या? केमिकल चेंजेस है। तो उसका प्रचार विश्व में होना चाहिए, कानून नियमों को भी संशोधित करना चाहिए और सारे विश्व के सामने ऐसी बात रखनी चाहिए जिससे एक महान महान क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके और बहरेपन और कान के रोगों के बारे में विचार बदले। मेरे पास में जब भी कोई फ़ोन आता है तो एक ही घिसी पिसी बात करता है, वो कहता है मरीज को डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई है, हड्डियाँ गल गई है, ऑपरेशन करा, सर्जरी करा, मशीन लगवा। मैंने कहा कोई ठीक करने की बात क्यों नहीं करता है? बोले सर, संसार में आज तक आपके सिवाय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ठीक करने की बात कही हो। वो सभी, और आज आज के सर्जरी युग में वो लपेट में ले ही लेते, डॉक्टर का काम है। परंतु एक प्रयत्न करें, जैसे अभी मैंने देखा बहुत बढ़िया बात हुई, इस कोविड के युग में प्रधानमंत्री महोदय ने और जनता ने, लोगों ने वैकल्पिक चिकित्सा को साथ में रखा और उसका प्रभाव इतना अच्छा हुआ कि घर घर में वो वैकल्पिक चिकित्सा, मतलब कि ये जो अश्वगंधा, अर्जुना, गिलोय और आदि के प्रयोग करने से सर्दी खांसी तो लगभग समाप्त हो गई है, बीमारियां लगभग जड़मूल से ख़त्म हो रही है, शरीर में तेज ओज चेहरे में आ गया है। आप किसी को मिले, देखिए बीमार होना क्या कारण से हुआ है, कमजोरी से हुआ है और कमज़ोर के ऊपर सब चढ़ बैठते हैं, कमजोरी मिटेगी तो सब। बातें बहुत लंबी है, इस वीडियो में इतनी ही। नाम और फ़ोन नंबर है 9099, फिर दूसरी बार 99, फिर 6720 या 2123245262728 और 29030 तक के सभी नंबर अविरत सेवा में ही चालू रहते हैं। और हमारे यहाँ पर पूरी टीम बनी हुई है, वो काउंसलर है, ट्रेनर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर टीम बहुत बढ़िया है, ट्रेनर बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बढ़िया है, सभी मिलकर के मेरी इस बहुत ही स्वप्न, मेरा ये ब्रेन चाइल्ड बहरापन का जो प्रोजेक्ट है।